कमांडर सोल्जर के साथ में रहता है और उनको लीड करता है, उनके दुख और सुख में वो शामिल रहता है। आप लोग साला वहाँ होटल में बैठे हो, 5-स्टार होटल में, और बच्चे यहाँ प्लेटफार्म पर सो रहे हैं। आप लीड करोगे ऑपरेशन को, तुम सबसे गद्दार आदमी हो, इस देश के सबसे गद्दार हो तो तुम हो। इस ऑपरेशन को अपने केवल और अपने हित के लिए, आपने अपनी पब्लिसिटी के लिए इन बच्चों के पेट पर लात मारी आपने। आप इन बच्चों के गुनाहगार हैं, आपको आज नहीं तो कल जिम्मेवार रहे आप, और आपको जवाब देना पड़ेगा। जैन साथियों, मैं कमांडो जीवराज, कमांडो डिफेंस एकेडमी से। साथियों, पिछले कुछ दिन से अजीब सा माहौल चल रहा है। वैसे तो 3 वर्ष के लगभग होने जा रहे हैं, भर्ती नहीं आ रही, तो सबसे दुख का विषय तो ये है कि कुछ बच्चों की उम्र निकलती जा रही है, और बच्चे जो काफ़ी अरसे से मेहनत कर रहे हैं वो एक थकने के कगार पे है, निराश होने के कगार पे हैं। तो गवर्नमेंट से भी हमारा दरख्वास्त है, निवेदन है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी इस मुद्दे पर विचार करें, और जो युवा जोश है उनको देश सेवा में सम्मिलित करें। तो मेरे जो भी वीडियो जिनके पास भी जाए, सबसे निवेदन है कि बच्चों के लिए सेना भर्ती का जल्दी से जल्दी प्लान किया जाए और सेना में बच्चों को भर्ती किया जाए। साथ ही दोस्तों, अभी पीछे कुछ दिनों से एक अजीब सा माहौल चल रहा है। हर कोई बंदा उठाता है, जंतर मंतर जाता है और वहाँ पर जाके भारत माता की जय बोलता है और एक दूसरे को गाली देनी स्टार्ट कर देता है। अब पीछे जितने, मैं किसी एकेडमी का नाम नहीं लूँगा, किसी संचालक का नाम नहीं लूँगा, मुझे दूसरे को बुरा बोलने की आदत भी नहीं है और मैं अपने बारे में सुनना भी पसंद नहीं करता, लेकिन ये देख रहा हूँ कि जिसको अनुभव नहीं है, जो सेना में 3 बार भर्ती में फेल हो गया, वो वहाँ जंतर मंतर में जाके भारत माता की जय बोलता है और वो गाली देनी स्टार्ट कर देता है। अभी गाली भी वो एक दूसरे को दे रहे हैं। अबे साथियों, जब आपने आंदोलन खड़ा किया है इन युवा बेरोजगार बच्चों के लिए, तो कम से कम इनकी सोचो, अपनी पब्लिसिटी क्यों कर रहे हो आप? इन बच्चों के लिए लड़ो ताकि बच्चों को कुछ राहत मिले, उनको जॉब मिले। तुम तो साले सब अपने अपने एकेडमियों को चलाने के लिए एक एकेडमी दूसरी की एकेडमी को गाली दे रही है। कौन सी शिक्षण संस्थान है जो बच्चों को, एक दूसरे को एकेडमी गाली देती है या एक दूसरे को गाली देनी सिखाती है? और गालियां भी वो लोग दे रहे हैं जो सेना में भर्ती नहीं हो। मैं जितने भी पीछे ये आंदोलन वालों को देख रहा हूं, उसमें साला एक भी ऐसा नहीं है जो फौजी हो, भर्ती हो नहीं पाए। ये जो निष्कासित हैं, फौज से निष्कासित हैं कुछ, तो कुछ जो बीच में फौज को छोड़ के आ गए, कुछ जो फौज के योग्य नहीं थे उन्होंने अपने अपने धंधे खोल रखे हैं, और ये पब्लिसिटी के चक्कर में एक दूसरे को गालियां देते हैं। आपको बच्चों से कोई लेना देना नहीं है, आप केवल और केवल अपना पेट भर रहे हैं, अपना संचालन कर रहे हैं, अपनी संस्था का पब्लिसिटी कर रहे हैं। अब बच्चों का नेतृत्व करने के लिए जंतर मंतर गए हैं और वहाँ पर होटलों में आप रात को ऐशो आराम कर रहे हैं, बच्चे पूरी रात जंतर मंतर और प्लेटफार्म पर पड़े हैं, आप ये आंदोलन कर रहे हैं, और फिर वहीं आंदोलन पर लीड मुझे करनी है, दूसरे को लीड नहीं करने देना मुझे। इस चक्कर में एक दूसरे को गाली देनी स्टार्ट कर दी, तो ये आपका बहुत ही गलत तरीका है। मेरा वीडियो जिसके पास भी जाता है, मैं किसी प्रत्यक्ष इंडिविजुअल आदमी को बदतमीजी से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गाली दे रहा हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि आप योग्य नहीं है तो कोई बात नहीं, अब वहाँ पर फालतू में दूसरे बच्चों को जो युवा रोजगार है उनके जले पर नमक ना छिड़कें। आप अपना उल्लू सीधा करने के लिए उन बच्चों की कमर का इस्तेमाल नहीं करें, उनका कंधे का इस्तेमाल नहीं करें। अगर आप में आंदोलन लीड करने की कैपेसिटी नहीं है, तो प्लीज़ इन बच्चों का आंदोलन है, इसको ख़राब नहीं करें। वहाँ आंदोलन में वो लोग पहुँचे हैं जिनकी योग्यता या तो है नहीं, या जिनके पास में योग्यता है वो एक दूसरे को गाली दे के उसको ख़राब कर रहे हैं। एक कहावत सुनिए, अजल गगरी छलकत जाए। वहाँ पर उस आंदोलन में सब की सब जो लीड कर रहे थे प्रोग्राम को, उनके साथ ये साबित हो रहा है, एक भी उसमें परफेक्ट सोल्जर नहीं गया, और जो गए थे वापस आ गए, क्योंकि ये जस्ट एक आंदोलन बच्चों के लिए ना होकर अपनी एकेडमियों के पब्लिसिटी के लिए था। मैं भी जाना चाह रहा था जब, लेकिन मैंने वहां देखा कि इनका माहौल केवल और केवल पब्लिसिटी का है। माइक हाथ में पकड़ा, भारत माता की जय। अरे साहब, माइक पकड़ के भारत माता की जय बोलने से भर्तियों का रास्ता नहीं खुलेगा। आप एक शांतिपूर्ण आंदोलन करो, अपनी मांगों को भारत सरकार तक पहुंचाओ, जब जाके आपका बात सुनी जाएगी।
अब वहां पर चिल्ला रहे हैं, उन बच्चों को लेके गए हैं आप, उनको रुकने की व्यवस्था नहीं है, बच्चे बेचारे खाना नहीं खा पा रहे हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा है, दैनिक निवृत्ति नहीं हो पा रही, आपको शर्म है कि नहीं थोड़ी बहुत? कम से कम अगर ऑपरेशन को लीड कर रहे हो आपने, अगर सेना के बारे में तैयारी करवा रहे हो, तो कम से कम इतना भी पता होगा कि कमांडर सोल्जर के साथ में रहता है और उनको लीड करता है, उनके दुख और सुख में वो शामिल रहता है। आप लोग साला वहाँ होटल में बैठे हो, 5-स्टार होटल में, और बच्चे यहाँ प्लेटफार्म पर सो रहे हैं, आप लीड करोगे ऑपरेशन को? तुम सबसे गद्दार आदमी हो, इस देश के सबसे गद्दार हो तो तुम हो। इस ऑपरेशन को अपने केवल और अपने हित के लिए, आपने अपनी पब्लिसिटी के लिए इन बच्चों के पेट ब्लॉक मारी आपने, आप इन बच्चों के गुनाहगार हैं, आपको आज नहीं तो कल जिम्मेवार रहे आप, और आपको जवाब देना पड़ेगा। मेरे शब्द अगर किसी को बुरा लगा हो तो माफी चाहूंगा, मुझे किसी इंडिविजुअल से कोई लेना देना नहीं है, और मैं किसी को अहित करना भी नहीं चाह रहा, न मैं किसी की भावना को ठेस पहुंचाना चाह रहा हूं। लेकिन जो लोग जो इन युवा बच्चों के, आर्मी की तैयारी करने वाले बच्चों के ठेकेदार बने फिर रहे ना, वो कम से कम ठेकेदार ना बने, उनका सौदा ना करें, उनके साथ मजाक नहीं करें, आप केवल और केवल उनके लिए हित की लड़ाई लड़ें। जय हिंद, जय भारत।